राधे राधे एवरीवन। आज हम बनाएंगे चने की दाल की पूड़ी, दाल पूड़ी जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1 कप दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसको हम चलिए बॉईल कर लेते हैं। दाल को हमने फिर से एक पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब चलिए इसको हम कुकर में डाल लेते हैं। इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे। 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे अच्छे से चने के दाल को। तो दाल हमारा पक रहा है, तब तक हम चलिए आटा लगा लेते हैं। आटा हमारा लग चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए आटे को हमको मुलायम ही बनाना है। चलिए अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो चना दाल हमारा बॉयल हो चुका है फ्रेंड्स। इसको हम एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब हम चना दाल को भून लेते हैं। उसके लिए हमने एक ये लाल मिर्च ले लिया है, सूखी लाल मिर्च। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे और ये हमने 8-7 लहसुन की कलियां ले ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने काट लिया है। इसको भी हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा आधा भुन चुका है फ्रेंड्स, तो इसी स्टेज पे हमको इसमें चना दाल डाल देना है। इसको हम भून लेंगे इसके साथ। इसमें हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक और डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे दाल को। इस तरीके से दाल पूड़ी बनाने से बहुत ही टेस्टी दाल पूड़ी बनती है फ्रेंड्स। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो दाल को भी हमने पीस लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए अब हम पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा से नींबू के बराबर एक लोई तोड़ लेंगे और इससे हम ऐसे इस तरीके से लोई बना के सूखे आटे में डिप करके और इस तरीके से गहराई चकला बनाएंगे और इसमें हम ये दाल को भर लेंगे। इस तरीके से बंद कर देंगे। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी लोइयों में दाल को अच्छे से भर लिया है। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं सूखे आटे में डिप करके। थोड़ा सा झाड़ लेंगे इसको इस तरीके से चकला फिर से बना के और पतला पतला पूड़ी बना लेंगे इसका। सारी लोइयों को हम इसी तरह पूड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ पूड़ियों को बेल के रख लिया है। चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया था। ये हमारा रिफाइंड ऑयल है, तो इसमें अब हम एक एक करके पूड़ियों को तल लेंगे। ये देखिए पूड़ी हमारी फूल चुकी है, तो अब हम पलट लेते हैं। इसी तरह सारी पूड़ियों को तल लेना है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी मुलायम। दूसरी पूड़ी भी हमारी तल चुकी है। पूड़िया हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो दाल पूड़ी को आप खीर के साथ सर्व करें फ्रेंड्स और इन्जॉय करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।